जय माता दी। आज हम क्लास 9th की सप्लीमेंट्री रीडर बुक जिसका नाम है मोमेंट्स, उसका एक और चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ हाउस इज नॉट अ होम। एक हाउस एक होम नहीं होता है। दैट मींस हाउस और होम में डिफरेंस क्या होता है कि हाउस होम क्यों नहीं होता है, क्योंकि सबको शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो सब जानते हैं कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। हाउस वो होता है जिसमें वैसे तो घर होता है, एक बिल्डिंग तो होती है, लेकिन रहने वाले जो लोग हैं उसमें आपस में लव, या फिर आप एक दूसरे की हेल्प करना या फिर एक दूसरे की प्रॉब्लम समझना, वो चीज़ नहीं होती, मतलब आपस में बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन होम में चाहे बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, कैसी भी स्पेस में हो, चाहे वो एक टेंट ही बनाकर रहते हों, लेकिन उनके बीच में आपस में बॉन्डिंग होती है। सो मतलब सिर्फ एक हाउस होम नहीं होता है, एक होम में बिल्डिंग के साथ में मतलब वहां के लोगों के बीच में बॉन्डिंग होना भी जरूरी होता है। सो ये जो स्टोरी है इसमें भी एक ऐसा ही चीज आपके सामने आएगी कि हाउस और होम का जो डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। साथ ही साथ में इसमें एक दिस चैप्टर हाउस इज नॉट अ होम इज रिटन बाय जैन गोडियोसो, और ये जो राइटर हैं उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली ये जो चैप्टर है वो लिखा है कि एक जो टीनेजर है, मतलब जैन गोडियोसो जो है वो खुद एक लेडी है, लेकिन इसमें जो राइटर एज ए राइटर इसमें लिया गया है, या फिर आप ये कह सकते हो जिसकी स्टोरी है, वो एक बॉय है, एक टीनेजर है, और वो अपना जैसे जैसे वो बढ़ रहा है तो वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और किस तरीके से हाउस और होम का जो डिफरेंस है उसे क्लियर होता है और आपको भी क्लियर होगा। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो स्टोरी है ये किस तरीके के चैलेंजेस जो होते हैं एक टीनेजर को फेस करने पड़ते हैं जब वो बड़ा बड़ा होता है, कि मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वो स्कूल जाता है, या फिर बाहर की जो सोसाइटी होती है, या फिर जो थिंग्स वो पसंद करता है, बहुत सारे जो चीजें होती हैं वो अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो बुरा लगता है, लेकिन अगर उनके अकॉर्डिंग होती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। और इसमें जो ऑथर है दैट मीन्स कि एक यंग बॉय है, एक टीनेजर बॉय है, वो अपनी प्रॉब्लम से किस तरीके से ओवरकम करता है ये हम देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें जो ऑथर हैं, इस चैप्टर की जो ऑथर हैं जैन जोडियोसो, वो एक लेडी हैं, लेकिन यहाँ पे माई फर्स्ट जो बता रखा है ये जो स्टोरी है वो एक बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो कि एक टीनेजर है। तो वो क्या कह रहा है कि मेरा जो फर्स्ट ईयर है हाई स्कूल का वो बहुत ही मतलब तकलीफ दे था, उसको पसंद नहीं आया वो। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल एट द हेड ऑफ माई क्लास विल ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन। क्योंकि जैसे वो जूनियर हाई स्कूल में पहले पढ़ता था, पहले जिस स्कूल में पढ़ता था, तो वो वहां पे क्या था कि बिल्कुल अच्छे से वो ट्रीट किया जाता था, क्यों, क्योंकि मतलब वो वहां का हेड था, हेड क्लास का हेड था, तो एक होता है ना सीनियरिटी, उस तरीके का उसको ट्रीटमेंट मिलता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जो 8th तक है, दैट मीन्स कि वो 8th तक है, तो अगर आप 8th में पढ़ते हो तो वहां पे आप हेड ऑफ द स्कूल भी बन सकते हो, हेड ऑफ द क्लास भी बन सकते हो, और आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन उसके बाद में आप 9th में एक ऐसे स्कूल में जाते हो जहाँ जो मे बी 12th तक हो, तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती है कि एकदम से आप जो इतने सीनियरिटी वाली फीलिंग जो आप में आ रही थी वो एकदम से जूनियर वाली की एकदम फ्रेशमैन जैसी फीलिंग आने लग जाती है, कि मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानता, और मुझे मतलब अपनी जो पहचान है वो बनाने में काफी टाइम लगेगा, या फिर वो स्कूल ही पसंद नहीं आएगा। तो इस तरीके की चीजें इसके साथ होती है कि पहले स्कूल में काफी अच्छा होता है, इसको अच्छा लगता है क्योंकि यह हेड ऑफ द क्लास होता है, और अब जो है इसको ऐसा लग रहा है उस हाई स्कूल में कि इसको एज ए फ्रेशमैन स्टार्ट करना है। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। अब देखो कि जो स्कूल की बिल्डिंग थी, तो ये जो स्कूल है वो तो मतलब पहले वाली स्कूल से डबल है, उसकी जो बिल्डिंग है वो एकदम इतनी बड़ी है वो स्कूल, लेकिन स्कूल बड़ी होने से थोड़ी कुछ होता है,
उसकी कंडीशन ऐसी है एकदम, मतलब एज ए फ्रेश मैन उसको स्टार्ट करना है, और साथ ही साथ में उसकी जो कंडीशन है वो और भी वर्स तब हो जाती है जब उसके साथ के जो उसके फ्रेंड होते हैं जो पुरानी वाली स्कूल में उसके साथ में होते हैं, वो अब दूसरी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि उसने स्कूल भी खो दी और वो रेपुटेशन या फिर जो सीनियरिटी वाली फीलिंग थी वो भी खो चुका है। सो नाउ आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और फ्रेंड्स नहीं है उसकी इस नई स्कूल में, सो उसको काफी अकेला महसूस हो रहा है। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मैं अपने जो पुराने टीचर्स हैं उनको इतना ज्यादा मिस करता हूँ कि मैं वापस जाता हूँ और उनसे मिलता भी हूँ। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। सो वो भी एनकरेज करती है टीचर्स को, अगर आप जाकर ये कहोगे कि अभी मेरे नए स्कूल में मैं मतलब फ्रेंड्स भी नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो टीचर्स तो यही कहेंगे ना कि मतलब एनकरेज करेंगे कि तुम स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करो, ज्यादा से ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हुआ करो, ताकि वहां पे लोगों से आप मिलोगे, नए फ्रेंड्स बनाओगे। लाइक दिस दे टोल्ड मी, वो उसके टीचर्स उसे क्या कहते हैं, दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। और यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि मतलब धीरे धीरे जैसे तुम लोगों से मिलोगे, फ्रेंड्स वगैरह बनेंगे, तो तुम एडजस्ट हो जाओगे उस स्कूल में और इतना ज्यादा प्यार करने लगोगे अपनी नई स्कूल को कि जितना तो तुम अपने ओल्ड स्कूल को भी जितना लाइक नहीं करते थे उससे भी ज्यादा लाइक करने लग जाओगे। दे मेड मी प्रॉमिस दैट वैन दैट हैपन्ड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और वो ये भी कहते थे कि जब ऐसा होगा, दैट मीन्स कि तुम अपनी प्रेजेंट जो स्कूल है उसको ज्यादा लाइक करने लग जाओगे इन कंपैरिजन टू योर ओल्ड स्कूल, तब भी तुम हमसे मिलने के लिए आना टाइम टू टाइम। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस। सो यहाँ पे क्या कहता है कि मैं उनकी साइकोलॉजी समझ गया कि मतलब हर किसी के साथ में होता है, या तो टाइम आपको मतलब वैसे ही टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है बहुत सारी चीजें तो अपने आप ही हील हो जाती हैं, अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। साथ ही साथ में अगर मे बी मतलब अगर वो मुझे एनकरेज करेंगे सो मैं शायद नई स्कूल में इंटरेस्ट लूँ। सो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, तो वो मैं चीज़ समझ गया था कि ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो कुछ कह रहे थे उसमें मुझे कंफर्ट फील होता था कि हाँ शायद ऐसा सब कुछ करने से शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वॉज सिटिंग एट होम एट आर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। अब क्या है कि ये एक बात शेयर करना चाह रहे हैं, वो क्या है कि वन संडे आफ्टरनून, एक दिन संडे की दोपहर थी, और नए स्कूल में, नए हाई स्कूल में जाते हुए उसे काफी टाइम नहीं हुआ था, सो वो अपना डाइनिंग रूम में टेबल पे बैठकर, डाइनिंग रूम में बैठकर एक टेबल जो थी उस पे बैठ के होमवर्क कर रहे थे। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आर फायर प्लेस। और मतलब जो दिन था वो काफी ठंडा था, हवा चल रही थी, सो हमने अपने फायर प्लेस में फायर जला रखी थी, जो मतलब जहाँ पे आग जलाते हैं ना वहाँ पे आग जला रखी थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ माई पेपर्स पर्रिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पैन फॉर एंटरटेनमेंट सेक। और जो एज यूजल जैसे कि उसके पास एक पैट कैट थी, वो रेड टैबी कैट जो कि ब्राउनिश कलर की जिसमें लाइंस होती हैं, ऐसी जो मेरी बिल्ली थी वो मेरे पेपर्स पे बैठी हुई थी। दैट मीन्स कि जिस टेबल पे बैठ के वो वर्क कर रही थी उस टेबल पे उसकी कैट भी थी, और वो मतलब बीच में परिंग लाउडली आवाज निकाल रही थी, कभी कभी उसके पैन को भी हिट कर रही थी धीरे से, कि मतलब वो एंटरटेनमेंट के लिए, कि आपस में ऐसे खेल रही थी वो, कि मतलब उस राइटर के साथ में खेलना चाहती थी। सो जो ये स्टोरी बता रहा है, सी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, कि वो कभी भी मेरे से दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर वैन शी वॉज अ कीटन। और जो बिल्ली थी मैंने उसे तब रेस्क्यू किया था जब वो बहुत छोटी सी कीटन थी, एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और उसे शायद मैंने उसे रेस्क्यू किया था इसीलिए उसे लगता था कि मैं वो इंसान हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो उसकी गुड लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने उसे बचाया है और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ। माई मदर कैप्ट स्टॉकिंग
द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। और मेरी जो मदर थी वो फायर प्लेस में फायर के लिए बीच बीच में लकड़ियां डाल रही थी। दैट मीन्स कि अगर आपको फायर कंटिन्यूसली जलानी है तो उसको बीच में लकड़ियों को आपको जो फ्रेश लकड़ियां हैं और डालनी भी पड़ेंगी, तो उस तरीके से स्टोकिंग कर रही थी फायर को ताकि उनका जो घर था वो नाइस एंड वार्म रहे इस ठंड में। सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। अब सडनली मुझे क्या हुआ, अचानक से मेरे को कुछ ऐसा स्मेल आई कि मतलब कुछ स्ट्रेंज सी स्मेल आई, तो मैंने देखा। क्या था कि वहां पे मैंने ऐसी स्ट्रेंज स्मेल देखी, और उसके बाद में मैंने नोटिस भी किया कि जो स्मोक है वो हमारी सीम्स ऑफ द सीलिंग, सीलिंग के ऊपर की साइड से स्मोक है जो रूम में आ रहा था। देन द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। और इस तरीके से वो स्मोक आ रहा था सीलिंग के अंदर से, मतलब सीम्स से, सीलिंग के जो जॉइंट जहां से जॉइंट होते हैं उस पार्ट से, इस तरीके से स्मोक आ रहा था जैसे कि थोड़ी देर में ही पूरा रूम भर गया था स्मोक से, कि हम कुछ ही देख पा रहे थे, कि मतलब ढंग से दिख भी नहीं रहा था। ग्रोपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड। और मतलब इस तरीके से दरवाजा ढूंढते हुए, ग्रोपिंग मतलब ढूंढना, कि मतलब आप सिर्फ आइडिया लगा सकते हो कि गेट कहाँ पर है, और हम फ्रंट डोर को ग्रोपिंग करते हुए और आइडिया लगाते हुए फ्रंट डोर पे पहुंचते हैं और हम अपने फ्रंट यार्ड में पहुंच जाते हैं, मतलब खुले में आगे। बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज इनग्लव्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। और जैसे ही हम यार्ड में बाहर पहुंचे उसी टाइम पे एकदम से रूफ में इस तरीके से आग लगी, एकदम फ्लेम्स में जल रही थी और एकदम से जल्दी जल्दी आग फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। और मैं अपने पड़ोस की तरफ भागा ताकि वो फायर डिपार्टमेंट को बुलाएं, फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाएं, फायरमैन आएंगे ताकि उनकी हेल्प करेंगे। और मैंने देखा कि मेरी मदर जो है वो वापस घर के अंदर की तरफ दौड़ते हुए जा रही हैं। दैट मीन्स कि आग लगी हुई है उनके घर में और उसके बाद में भी वो उसकी मदर जा रही है, तो मतलब कुछ लेने के लिए ही जा रही होंगी। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। उसकी मदर जब घर से बाहर आती हैं तो वो देखती हैं कि उनके पास में, उनकी मदर के पास में एक स्मॉल मेटल बॉक्स होता है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। शायद उन्हें ऐसे लगा हो कि ये बहुत जरूरी है तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, तो वो फटाफट निकाल के लेके आती हैं। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन एंड इन ए क्रेज स्टेट सी रैन बैक इन टू द हाउस। और जैसे ही वो जो मेटल बॉक्स था वो फटाफट उसने ओपन, जो लॉन था उनका आगे का जो बगीचा था उसमें पटकती हैं और एकदम पागलों वाली हालत में वो वापस से घर की तरफ दौड़ती हैं, हाउस की तरफ दौड़ती हैं। दैट मीन्स कि क्रेजीएस्ट स्टेट, क्रेज स्टेट मतलब कि वो सोच भी नहीं रही हैं कि मतलब आग लगी हुई है घर में, तो क्यों उसमें इतनी ज्यादा फ्लेम्स में जाना है, लेकिन वो वापस जाती हैं। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर। और मुझे पता था कि वो क्यों गई हैं, मतलब क्या लेने के लिए गई हैं। माई फादर हैड डाइड वेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। मुझे पता था क्या रीजन था, क्योंकि उसके जो फादर थे ना वो तब खत्म हो गए थे जब जो राइटर हैं वो बहुत छोटे थे। और मतलब मुझे पता था कि वो जो मेरे फादर की जो पिक्चर्स हैं या लेटर्स हैं ना वो जलने नहीं देंगी उन्हें। दैट मीन्स कि वो उन्हें लेने के लिए जा रही थी, उनके फादर की पिक्चर्स और उनके लेटर्स। दे वर द ओनली थिंग दैट शी हैड टू रिमेम्बर हिम बाय। और यही वो चीज़ है जो उनकी याद, जिससे वो याद करती हैं अपने हस्बैंड को, उनकी यादें हैं वो। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो। और फिर भी मुझे पता था कि वो क्या लेने के लिए जा रही हैं, लेकिन मैंने फिर भी चिल्लाया कि मॉम नहीं, कि मतलब घर के अंदर मत जाओ, एकदम फ्लेम्स इतनी ज़्यादा हाई हैं सो मत जाओ। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर बट आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। और मैं उसके पीछे भागने वाला था, मतलब मदर के पीछे, कि वो क्यों जा रही है अंदर इतने फ्लेम्स में, लेकिन मैंने देखा एक बड़ा सा हाथ मुझे रोक लेता है पीछे। इट वॉज अ फायरमैन। वो क्या, कौन होता है फायरमैन, दैट मीन्स फायर ब्रिगेड जो भी है, फायर डिपार्टमेंट जो है वो पहुंच चुका है। एंड आई हैडन्ट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फील्ड विद फायर ट्रक्स। और मैंने ये तक भी नोटिस नहीं किया कि पूरी गली में फायर ट्रक्स जो हैं वो भरे हुए हैं, दैट मीन्स कि हेल्प के लिए
आ चुके हैं। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज गैस फीलिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इज इन देयर। सो क्या कहते हैं वो, कि मतलब मैं फिर भी, वो जो इंसान ने उन्हें पकड़ा था, फायर मैन ने उन्हें पकड़ा था, तो उनसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये चिल्ला रहे थे कि तुम समझते नहीं हो क्या कि मेरी मदर मतलब अंदर गई है, तो दैट मीन्स कि फिर मुझे जाना ही होगा, उनको हेल्प की जरूरत है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस। तो लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना, उस फायर मैन ने मुझे पकड़ के रखा, और अदर जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर चले गए उनकी हेल्प करने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो फायर थी उसको बुझाने के लिए। सो यहाँ पे उसके बाद में वो क्या कहते हैं, ही न्यू दैट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई वुड रन, ही वॉज राइट। कि मतलब वो कहीं ना कहीं इस चीज को जानते थे कि मतलब मैं एकदम सही लॉजिकली एक्टिंग कर रहा था, कि मतलब दैट मीन्स कि मैं सच में, अगर वो मुझे छोड़ते ना तो मैं चला जाता, कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो वेरी लॉजिक थे इस चीज में कि वो अगर उन्हें छोड़ते तो वो अपनी मदर के पीछे जाते ही। और ही वॉज राइट, इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सैड। और उस फायरमैन ने क्या कहा कि मतलब सब ठीक हो जाएगा, वो उन्हें ले आएंगे, दैट मीन्स बाकी के जो फायर फाइटर्स हैं वो तुम्हारी मदर को बचा लेंगे, वो उन्हें सेफली बाहर ले आएंगे। इट्स ऑल देन ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आ कार। और उन्होंने उसके बाद में मुझे कंबल उड़ाई, एक कंबल में रैप किया और हमारी कार में बिठा दिया। सून आफ्टर दैट ए फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आर हाउस विद, और इतने में मैंने देखा कि एक फायरमैन हमारे घर से आ रहा है, और किस चीज के साथ में आ रहा है वो हम देखेंगे। उससे पहले आप ये पिक्चर देख लो कि किस तरीके से जो उनका हाउस था उसमें पूरी आग ही आग हो रखी है, और यहाँ पे जो फायर डिपार्टमेंट है वो अपने उनकी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। और नेक्स्ट वन इज कि वो उसकी जो फायरमैन थे वो किसके साथ आए, विद माई मॉम इन टो, कि मतलब उनके पीछे पीछे की तरफ कौन आ रही है, उनकी मदर है, उन्होंने पीछे की तरफ उनकी मदर को लिए हुए हैं। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और मतलब जैसे ही उठाकर लाए हैं वो अपने बैक साइड में, उसके बाद में फटाफट वो लेकर कहाँ जाते हैं, ट्रक के पास में लेके जाते हैं, और वहां पे उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं फटाफट उनकी तरफ भागा और उन्हें हग किया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। अब क्या होता है कि जो होता है कई बार बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर उस मोमेंट पे कि उसे ऐसे लगा कि मैं अपनी मदर को खो दूंगा शायद, सो ऑक्सीजन मास्क को देखकर और ऐसी सिचुएशन को देखकर मैंने कभी भी उनके साथ आर्ग्यू किया था या कभी भी उनसे नफरत की थी, वो एकदम से गायब हो गई, और मुझे अब सिर्फ जो थॉट आ रही थी कि मैं कहीं इन्हें खो ना दूं, वो थॉट आ रही थी। सी इज गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन, और फायरमैन ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सी इज गोइंग टू बी ओके। देन सी जस्ट इनहेल अ लिटिल स्मोक, कि उन्होंने क्या कहा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बस इन्होंने थोड़ा सा जो धुआं है वो इनहेल कर लिया है, मतलब अंदर चला गया इनके। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर व्हाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड। और उसके बाद में ये फायरमैन ये सब कुछ बोल कर वापस से मतलब फायर के साथ में फाइट करने के लिए चले जाते हैं, मतलब फायर को बुझाने के लिए, और मैं और मेरी मदर डेज्ड बैठे हुए थे, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या सिचुएशन है। दैट मीन्स कि जो सडन चीजें होती हैं उसके बाद में समझ में नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें, उस सिचुएशन में उसकी मदर और वो बैठे हुए थे। आई रिमेम्बर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और मैं अपने घर को जलते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 5 आवर्स लेटर, अब 5 घंटे हो चुके हैं इन सब चीजों को, द फायर वॉज फाइनली आउट, मतलब पूरी आग बुझा दी गई है, 5 घंटे बीत चुके हैं। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर पूरा जल चुका है। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडन्ट सीन माई कैट, और एकदम से सडनली मुझे याद आता है कि मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा, मतलब इतनी देर से मेरी जो कैट है, पैट कैट है, वो कहाँ है। दैट मीन्स कि वो अभी जब संडे आफ्टरनून को, अभी आज की दोपहर को, 5 घंटे पहले जब वो होमवर्क कर रहा था और उसकी कैट उसके पास में खेल रही थी, वो अब नहीं है। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी। मच ऑफ माई हॉरर आई रियलाइज दैट सी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और मतलब मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि मेरे को कहीं पे भी मेरी पैट कैट नहीं मिल रही थी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी
द न्यू स्कूल, द फायर, द कैट, आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड एंड क्राइड। और उसके बाद में मुझे एकदम से ये सारी चीजें जो हैं एक साथ माइंड में आई कि मेरा नया स्कूल, मतलब उसमें भी वो खुश नहीं है, फिर ये फायर लग गई मेरे घर पे, मेरा पूरा घर जल गया, ये भी चीज उसके साथ में बैड हुई, माई कैट, अब मैंने अपने पैट कैट को खो दिया। तो ये सारी चीजें है ना उसके माइंड में एक साथ हीट करती हैं कि सब कुछ उसके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, और वो एकदम से रोने लगता है और रोता ही रहता है। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और मतलब इसका मतलब ये है कि वो बहुत टाइम से ही इस तरीके की चीजें फेस कर रहा था कि मतलब ना उसे स्कूल पसंद आ रहा था, नया स्कूल में भी वो परेशान था, अब उसका घर जल गया, उसने पैट कैट को खो दिया, कि मतलब बहुत सारा बुरा ही बुरा हो रहा है। द फायरमैन कुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, और फायरमैन मुझे उस रात को हमारे घर में वापस नहीं जाने दे रहे थे। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि अभी भी काफी खतरनाक है घर के अंदर एंटर होना। डेड और अलाइव आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, और मेरी बिल्ली के बिना कि मतलब मेरी चाहे वो जो पैट कैट थी वो चाहे मरी हो चाहे जिंदा हो, जो भी कुछ हो, तो लेकिन मैं उसके बारे में बिना जाने बिना कुछ इमेजिन के मैं नहीं जा सकता कि मतलब उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, कि जिंदा है मर गई है, जो भी है एटलीस्ट मुझे पता चलना चाहिए मेरी कैट के बारे में। रिगार्डलेस आई हैव हैड टू गो, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था लेकिन मुझे जाना पड़ा। वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ ऑन आर बैक्स एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। और मतलब मैं नहीं जाना चाहता था, मेरी पैट कैट के बारे में पता करना चाहता था, लेकिन हमें जाना पड़ा। और जाए गए भी कैसे, कि हमने कार में क्या लिया, कुछ कपड़े थे जो हमारे पास थे, कुछ जो फायरमैन ने जो ब्लैंकेट्स वगैरह दी थी वो थी, और उसके बाद में हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जाना था नाइट स्पेंड करने के लिए, बिकॉज अब हमारा जो घर था वो तो था नहीं, तो अब हम अपने दादा दादी के यहाँ पे, मेरे दादा दादी के यहाँ पे जा रहे हैं। सो इस तरीके की उसकी सिचुएशन है, मतलब बिल्कुल भी वो खुश नहीं है, पहले से ही वो नई स्कूल में जाकर खुश नहीं था, और उसके साथ में और ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं उसकी लाइफ में। द नेक्स्ट डे मंडे, अब संडे आफ्टरनून का तो ये सारा था ही कि उनके घर में फायर और लग गई थी और इस तरीके की चीजें हुई थी। नेक्स्ट डे मंडे था और आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। देन व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वोन टू चर्च दैट मॉर्निंग, बट आई हैड नो शूज। लेकिन मतलब मैं उस दिन चर्च गया था, इसलिए मैं उस दिन तब बैठ कर होमवर्क कर रहा था, उस टाइम पे भी मैंने ड्रेस तो पहन रखी थी लेकिन उस टाइम मैंने शूज नहीं पहन रखे थे। तो अब मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन शूज नहीं है। आई हैड किक्ड देम ऑफ वेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, और मतलब मैं चर्च जाकर आया था तब ऑफकोर्स मैंने शूज भी पहन रखे थे, लेकिन मैंने उनको होमवर्क करते टाइम पे किक देम ऑफ कर दिया था, मतलब उतार दिया था उनको। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और मतलब ये एक और कैजुअलिटी हो गई। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, और इसलिए मैंने अपने आंट से कुछ टेनिस शूज लिए, दैट मीन्स टेनिस शूज पहन के वो स्कूल जाने वाले हैं। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मैंने सोचा कि मैं स्कूल ना ही जाऊं तो, कि मतलब घर पे रुक जाऊं तो क्या है। माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग, मेरी मदर तो ये सब कुछ नहीं सुनेंगी कि मतलब मैं स्कूल ही नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से काफी एम्बेरस्ड हूँ, मुझे काफी शर्म आ रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज़ों से, कि मेरे पास पहनने के लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, ना शूज हैं, और ना मैं वो स्कूल लाइक करता हूँ। द क्लॉथ आई वॉज वियरिंग लुक वियर्ड, आई हैड नो बुक्स और होमवर्क और माई बैक पैक वॉज गॉन। सो मतलब उसके पास कुछ भी तो नहीं होता है जो स्कूल का, क्योंकि सब कुछ जल गया होता है उसके घर में, उसके पास ना कपड़े होते हैं, और जिस ड्रेस में मतलब विदाउट यूनिफॉर्म जाएगा वो, कि स्कूल का यूनिफॉर्म उसका जल चुका है, तो वो मतलब वियर्ड लग रहा होता है कि मतलब मैं ऐसे ही कैसे कपड़े पहन के जा रहा हूँ स्कूल में, मेरे पास ना बुक है, ना मेरा होमवर्क है, ना मेरा बैक पैक है, मतलब कुछ भी तो नहीं है। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक, और मैं जो मतलब जिस बैग वगैरह में जो सारा सामान रखता है, वो बुक्स वगैरह वो भी, तो मेरी पूरी लाइफ ही तो उसमें थी, कि मतलब मोस्टली जो स्टूडेंट्स की चीजें होती हैं उनके बैकपैक में होती हैं, या फिर मतलब जो डेली की बाकी तो चीजें आप कहीं से भी अवेलेबल कर सकते हो, लेकिन सपोज कि आप स्कूल जाते हो और आपका बैग ही गायब हो, इम्पॉर्टेंट थिंग्स ही हो, होमवर्क गायब हो, नोटबुक्स बुक्स गायब हो, तो फिर क्या मतलब है। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गोट, और मतलब मैं जो अपनी सिचुएशन में जितना फिट होने की कोशिश करता हूँ ना, वो उतनी ही बेकार होती जा रही है। वॉज आई डेस्टिन टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक
ऑल माई लाइफ। और मतलब मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या सिर्फ मेरी डेस्टिनी, क्या मेरा भाग्य यही है कि मैं सबसे बिल्कुल आउटकास्ट होके रहूं, मतलब बिल्कुल अलग थलग सा रहूं मेरी पूरी जिंदगी। दैट्स वॉट आई फेल्ट लाइक। और मैं इस टाइम पे ऐसा ही फील कर रहा था कि मैं बिल्कुल आउटकास्ट हूं, मैं सबसे बिल्कुल अलग हूं, मुझे शर्म आ रही थी। आई डिडेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। और मतलब इसी तरीके से अगर बड़ा होना है मुझे, मतलब मेरी लाइफ में इसी तरीके से प्रॉब्लम एंटर करती रहेंगी, तो मैं तो ग्रो अप होना ही नहीं चाहता, मैं बड़ा ही नहीं होना चाहता हूँ कि मतलब इस तरीके के चेंजेस आएंगे, लाइफ और वर्स्ट होती जा रही है, तो फिर मुझे बड़ा होना ही नहीं है। मेरे को इस तरीके की लाइफ हैंडल मैं कर ही नहीं सकता, और इस तरीके की चेंजेस मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मतलब मैं बिल्कुल खुद को खत्म कर लेना चाहता हूँ। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए जॉम्बी, मतलब उसके अंदर इतनी बैड फीलिंग आ रही है। एक तो उसमें वैसे ही जैसे हाई स्कूल वगैरह में, वैसे ही जब आप टीनेजर होते हो, स्कूल चेंज करते हो, सब्जेक्ट्स चेंज करते हो, कई बार आपको वो भी पसंद नहीं आते, वैसे ही वो इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। साथ ही साथ में यहाँ पे जो उसके घर पे जो हुआ, वो तो उसको बिल्कुल ही और भी ज्यादा वर्स्ट हो गया, मतलब बुरे के साथ में और बुरा हो जाना। अब वो क्या है कि वो स्कूल जाता है तो वो स्कूल में कैसे चल रहा है, लाइक जॉम्बी। जॉम्बी मतलब अ डल एंड अपेथेटिक पर्सन, कि मतलब बिल्कुल जिसमें जान नहीं हो, कि मतलब जैसे जॉम्बीज देखे होंगे आपने पिक वगैरह में, तो वो कैसे चलते हैं, जैसे बिल्कुल जान ही नहीं हो उसमें। तो वो भी स्कूल में इस तरीके से जॉम्बी की इस तरह चल रहा था। एवरीथिंग फेल्ट सरल एंड आई वॉजंट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, मतलब सारी चीजें जो थी वो एवरीथिंग फेल्ट सरल, दैट मीन्स स्ट्रेंज, सारी चीजें अजीब सी हो रही थी मेरे साथ। और मतलब मुझे पता ही नहीं था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस, माई कैट हैड ऑल बीन राइप्ड अवे, सो रिप्ड अवे। दैट मीन्स कि जो भी मेरे को सिक्योरिटी फीलिंग आती थी, मतलब जिन कुछ चीजों को देख के मुझे अच्छा फील होता था, वो सिक्योरिटी फील वाली जो चीजें थी वो तो सब मैंने खो दी है। मेरा जो पुराना स्कूल था वहां पे मुझे अच्छा लगता था, मेरे फ्रेंड्स के साथ में मुझे अच्छा लगता था, मेरा घर, मेरी पैट कैट, मैंने सब कुछ तो मेरी जिंदगी से जा चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ वैनिश हो चुका है। सो उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है अभी। सो इन सब चीजों को वो फेस ही नहीं करना चाहता कि अगर लाइफ ऐसी है तो मुझे लाइफ ऐसी चाहिए ही नहीं। व्हेन आई वॉक थ्रू दैट यूज टू बी माई हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे, और उसके बाद में मैंने स्कूल के बाद में मंडे को जब वो स्कूल जाते हैं बिना मन के, मतलब उनका मन नहीं करता है, लेकिन वो वहां से जाते हैं, अपना जो घर है उसको देखते हैं जब स्कूल से वापस आते हैं। आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज, और मैंने मतलब स्कूल से आते वक्त जब मैंने अपने घर को देखा तो मतलब कितना सारा डैमेज हो चुका था मेरे घर को, वो देख के मैं काफी शॉक था। देन वॉट एवर हैडन बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द वॉटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर। तो वॉट एवर हैडन बर्न का मतलब जो चीज नहीं जली थी, मतलब मोस्टली तो चीजें जल गई थी, और जो नहीं जली थी वो भी वैसे भी डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों? क्योंकि पानी और केमिकल जो डाला था ना आग बुझाने के लिए, उन उन केमिकल्स ने और उन वाटर ने कुछ चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया। द ओनली मटेरियल थिंग नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट एंड सम अदर पर्सनल आइटम दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू। सो अगर कोई कुछ चीजें, अगर हमारे पास कुछ मटेरियल बचा था ना जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, वो सिर्फ वही था जो मेरी मदर ने बिल्कुल हीरो की तरह हीरोइकली रेस्क्यू किया था वहां पर अंदर जाकर, जो बचा कर लाई थी, जैसे कि फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ पर्सनल आइटम्स जो उसकी मदर ने बचाए थे, सिर्फ वो बचे थे, बाकी सब कुछ बर्बाद हो चुका था। बट माई कैट वॉज गोन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, और लेकिन मेरी जो बिल्ली थी वो जा चुकी थी, और मेरा जो हार्ट था वो उसके लिए काफी दर्द हो रहा था मेरे हार्ट में, मतलब मैं उसको मिस कर रहा था। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, कोई मतलब दुख मनाने का कोई टाइम नहीं मिला। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी मदर मुझे घर से वहां से ले आई। वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। अब क्या होता है कि मतलब मेरी मदर वहां से ले आई क्योंकि हमें आगे की भी तो प्लानिंग करनी थी, कि हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पे हम रह सकें, और मतलब कुछ कपड़े वगैरह और ये सब भी लेकर आने थे स्कूल के लिए। सो उनका तो सारे जो चीजें थी वो जल गई, तो सोचो कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो कितने सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। सो उनकी हालत भी वही थी। देन देर वो
वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देर वॉज नो क्रेडिट कार्ड कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. अब क्या होता है कि हमें अपने पेरेंट्स से दादा दादी से पैसे बोरो करने पड़ेंगे, उधार लेने पड़ेंगे. क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि हमारे पास ना क्रेडिट कार्ड है, ना कैश है, ना हमारे पास ऐसा आइडेंटिफिकेशन है कि जिससे कि हम बैंक से पैसे विदड्रॉ कर सकें. मतलब बैंक से भी पैसे विदड्रॉ करने के लिए आपको पूरा आइडेंटिफिकेशन चाहिए, पासबुक चाहिए, अदर चीज़ें चाहिए. दैट मीन्स कि आपको प्रूव करना होता है ना कि आप अपने अकाउंट से पैसे ले रहे हो. वो चीज़ें भी हमारे पास नहीं थी, तो पैसे निकालने के लिए भी हमारे पास सारे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सब कुछ उस धुएं में जा चुका था, मतलब सब कुछ जल चुका था. दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आर हाउस वॉज बींग क्लियर ऑफ द लॉट. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिज, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड. और मतलब जो भी कुछ घर में जो भी कुछ बचा था, वो कचरा वगैरह था, वो सारा कुछ साफ किया जा रहा था. यहाँ तक कि हमने जो नया अपार्टमेंट जो रेंट पे लिया था, क्योंकि उन्हें कहीं पे तो रहने के लिए जगह चाहिए थी, वो भी वहीं पे पास में ही लिया था. मतलब जो इनका पुराना वाला घर था जो जल गया था, उसी के पास वो रेंट अपार्टमेंट में रहने लग गए थे. तो वो उनको देखता था, मतलब काफी टाइम वो चला जाता था और देखता था कि किस तरीके से वो मलबा वगैरह, डेब्रिस मतलब मलबा, कि वो साफ कर रहे हैं. और होप कर रहे थे कि मतलब जैसे जैसे ही मलबा साफ करेंगे या जो भी इसको क्लियर करेंगे इसको हाउस को, तो दैट मीन्स कि मेरी बिल्ली को मैं कहीं ना कहीं पता कर पाऊंगा, फाउंड कर पाऊंगा, ढूंढ पाऊंगा कि मतलब लाइव है, डेड है, जैसी भी है, मुझे पता तो चलेगा कि वो है भी या नहीं है. सी वॉज गॉन. आई कैप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वेनरेबल लिटिल किटन. और मैंने सोचा कि वो जा चुकी है, मैं उसके बारे में याद कर रहा था कि वो जब बिल्कुल छोटी सी थी, किस तरीके से वो लाए थे, मतलब उसकी मेमोरीज याद आ रही थी. इन द अर्ली मॉर्निंग वैन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ द बेड, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, क्लाइम अप माई रोब एंड क्रॉल इन माई पॉकेट टू फॉल अस्लीप. और मेरे को सब कुछ याद आ रहा था कि किस तरीके से वो, मतलब हम लोग खेला करते थे, जैसे सुबह सुबह मैं उठता था तो मैं उसको डिस्टर्ब करता था कि मतलब वो भी उठ जाए इसलिए. तो फिर वो जैसे ही वो मेरी जो बिल्ली थी वो बेड से बाहर निकलती थी, वो जैसे ही ये बेड से हटते थे, बेड से उतरते थे, वैसे बिल्ली भी उसके पीछे पीछे आती थी और उसके कपड़ों पे क्लाइम करते हुए उसकी पॉकेट में जाकर सो जाती थी. मतलब जो होता है ना ऐसे ढीले डाले कपड़े, बड़ी बड़ी सी पॉकेट होती हैं जिनके, तो इस तरीके से उनकी कैट जो थी वो राइटर की जो पॉकेट में जाकर सो जाती थी. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली. और वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, अपने पैट कैट को. उनकी जो जो भी मेमोरीज थी वो याद कर रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने पैट कैट को. इट ऑलवेज सीम दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नॉट डिफरेंट. हमें सबको पता है कि ये हमेशा ही ऐसा होता है कि जो बुरी खबर होती है ना वो बहुत जल्दी फैलती है. तो मेरे साथ भी कुछ अलग नहीं था. दैट मीन्स कि मेरे साथ जो बुरा हुआ था वो खबर भी बहुत जल्दी फैल गई हर जगह पे. एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट. मतलब हर कोई मेरी हाई स्कूल जिसमें अब मैं जा रहा था, सब सब टीचर्स तक सब अवेयर थे कि मेरे साथ क्या हुआ है. आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल. मैं इस तरीके से एम्बेरस हो रहा था कि किसी ना किसी वजह से मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ. दैट मीन्स कि उसके घर में जो आग लगी है उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही इतना बुरा हो रहा था तो बुरे के साथ में और बुरा हो रहा था. तो सब कुछ जैसे मेरे साथ बुरा होना लिखा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है. हर चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट ए न्यू स्कूल. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फोर. और ये क्या है, ये मतलब नए स्कूल में ये कैसे स्टार्टिंग हो रही है, मतलब इस टाइप की अटेंशन तो मुझे नहीं चाहिए थी. मतलब वो जैसे पहले जिस स्कूल में थे उसमें वो हेड ऑफ द क्लास थे, अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, इसलिए उनको अटेंशन मिलती थी. लेकिन ये कैसी अटेंशन मिल रही है, ऐसी अटेंशन तो मुझे नहीं चाहिए थी. मतलब मैं ऐसी अटेंशन थोड़ी ढूंढ रहा था कि मतलब हाँ मेरा घर जल जाए और उसके बाद में लोग बाग मेरी बात करें और इस तरीके से मतलब वो सिंपथी भी दिखाएं. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिव इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. मतलब स्कूल में सबको पता था तो लोग ऐसे आके सिंपथी भी शो करते होंगे कि हाँ भाई इस तरीके से कि भाई तुम्हारा घर जल गया और इस तरीके की चीजें. लेकिन दूसरे दिन उसने क्या नोटिस किया स्कूल में कि लोग और भी ज्यादा स्ट्रेंज तरीके से, जैसे हर रोज करते हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज तरीके से एक्ट कर रहे थे. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. मतलब मैं अपने लॉकर के पास में खड़ा होकर मैं जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था. मतलब स्कूल में जिम क्लास होगी
और फिर स्कूल में लॉकर होगा जिसमें वो अपने सामान रखता होगा कि जिम क्लास के लिए रेडी होने के लिए. सो वहां पे मैं रेडी हो रहा था. पीपल वर माइलिंग अराउंड मी, आस्क मी टू हरी अप. और लोग माइलिंग अराउंड का मतलब होता है मूविंग इन एमलेस मैनर, कि मतलब इस तरीके से मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, एमलेस मैनर में आ रहे हैं मेरे पास में, और मेरे को कह रहे हैं कि जल्दी करो. सो कोई भी है जो आ रहा है और वो मुझे कह रहा है जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक नथिंग वुड सरप्राइज मी. मुझे एकदम से स्ट्रेंज तो लगा था कि ये क्या है, लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं भाई. लेकिन जो पास्ट वीक्स में कुछ मेरे साथ जो हुआ है ना, उसके बाद में मेरे को कुछ भी चीज़ सरप्राइज नहीं लगती है कि मतलब और थोड़ा बुरा हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात होगी, मेरे साथ कौन सा कुछ अच्छा ही हो रहा है. इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम, देन आई सो वाई. वो लोग इस तरीके से एक्ट कर रहे थे, बार बार में ये कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, जैसे कि मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो मुझे शो दैट मीन्स पुश हार्ड, कि मतलब वो मुझे धक्का दे रहे हो जिम क्लास के लिए कि मतलब चलो भाई. देन आई सो वाई. फिर मुझे पता चला कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे. देर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी, कि वहां पे देखो कि एक बड़ी सी टेबल थी, उसमें सारे टाइप की चीजें थी जो सिर्फ मेरे लिए थी. मतलब ऑल काइंड ऑफ स्टफ मतलब हर टाइप की चीज जो कि स्कूल के लिए, स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए जरूरी होती है. दे वर टेकिंग अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स. सो मतलब उस टेबल पे सारा कुछ था, सारे टाइप की चीजें, जनरल ऑल काइंड ऑफ स्टफ का मतलब कि वहां पे सब कुछ था कि मेरे लिए स्कूल की जो जितनी भी सप्लाइज, दैट मीन स्कूल की जो थिंग्स होती हैं वो सारी लेकर आए. नोटबुक्स वगैरह लेकर रखी हुई थी वहां पे, सारे टाइप के क्लोथ्स रखे हुए थे, कोई जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा, उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं. इट वॉज लाइक क्रिसमस, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे क्रिसमस पे होता है ना, गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज करते हैं, लोगों को जरूरत की चीजें देते हैं. आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मतलब मेरे जो इमोशन थे ओवरकम हो रहे, मतलब एकदम से काफी इमोशनल हो रहा था. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर केम अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देम सेल्फ, जिन लोगों ने अभी तक मुझे मुझसे कभी बात नहीं की वो आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को. आई जस्ट सॉरी, आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज, और वो लोग मुझे बुला रहे हैं अपने घर पे, इन्वाइट कर रहे हैं. देयर जेन्युइन आउट पोरिंग ऑफ कंसर्न, जो वो मुझे अपना जो जेन्युइन कंसर्न दिखा रहे थे, रियली टच्ड मी. वो मुझे बहुत ज्यादा टच किया कि लोग कितना मतलब अच्छे से जेन्युइनली मेरे साथ में पेश आ रहे हैं, इमोशन सिंपथी दिखा रहे हैं. इट दैट इंस्टेंट इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. सो मतलब ये सब कुछ देख के, मतलब इतना अच्छा माहौल, जस्ट थिंक कि आप स्कूल में जाओ, आपके लोग हेल्प करें, और इस तरीके से नई स्कूल में लोग इंट्रोड्यूस करें, आपको इनवाइट करें, सो फ्रेंड्स बनना चाहें, तो मतलब आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. सो उसको भी मतलब इतना उसके साथ बुरा हो चुका था, तब तो और भी अच्छा लगता. तो मतलब उसको एक ऐसी सांस ली उसने गहरी की, हाँ रिलीफ की सांस ली कि फर्स्ट टाइम मतलब कुछ ओके होने जा रहा है, सब कुछ ओके हो जाएगा. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और मैंने उस दिन दोस्त बनाए. अ मंथ लेटर, एक महीना हो गया उसके बाद में, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रिबिल्ड इट, और मैं कहाँ था, मेरे घर पे, मतलब उसको मैं देख रहा था जब वो वापस बन रहा था, मतलब उनका जो घर जल गया था उसकी जगह पे अब दूसरा बन रहा था, न्यू नए सिरे से. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, इट वॉजंट, आई वॉजंट अलोन, लेकिन अब सब डिफरेंट था और मैं अकेला भी नहीं था इस टाइम पे. आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं जो अपने घर को देखने आया हूँ रिबिल्ड होते हुए. सो मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स भी हैं जो कि स्कूल से हैं. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. और मतलब जो लोग थे कि मतलब जो फीलिंग्स थी, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स थी, वो सब अब मैंने मतलब सोचना छोड़ दिया था. सारे जो लोग थे मेरे आसपास में वो काफ़ी वंडरफुल थे, अच्छे थे. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ड, वैन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज गोइंग
वॉज डूइंग द सेम थिंग। और जब मैं अपने घर को बनते हुए देख रहा था ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी लाइफ भी सेम चीज कर रही है। दैट मीन्स जैसे मेरा घर जल के बिल्कुल खत्म हो गया था, वापस से रिबिल्ड हो रहा है, उसी तरीके से मैं भी तो इंटरनली बिल्कुल खत्म हो गया था। मैं तो जीना ही नहीं चाहता था। तो मैं भी, मेरे साथ भी सेम चीज हो रही है जो घर के साथ हो रही थी, कि मैं भी खत्म हो गया था लेकिन मैं वापस से रिबिल्ड हो रहा हूँ। व्हाइल वी सैट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, आई हर्ड समवन वॉकिंग अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, डज दिस बिलोंग टू यू। अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं कर्ब पे बैठा था, मतलब एक बैठने की जगह होती है, एक पट्टा टाइप, बेंच टाइप। सो मैं वहां पे बैठा था और मैं प्लान कर रहा था कि मेरा नया बेडरूम कैसा होगा। अभी मतलब वापस से घर बन रहा है तो उसका नया बेडरूम बनेगा, वो कैसा होगा, ये मैं सब कुछ सोच रहा था। मैंने कुछ सोचा कि सुना कि मेरे पीछे से कोई चलता हुआ आ रहा है और उसने आकर मुझे क्या बोला, डज दिस बिलोंग टू यू, कि क्या ये चीज तुमसे बिलोंग करती है, क्या ये चीज तुम्हारी है। देन आई टर्न अराउंड टू सी वॉट इट वॉज, आई कुडंट बिलीव माई आईज। और फिर मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि भाई कौन है, क्या पूछ रहा है। मैंने, अब मेरे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, कि वहां पे एक औरत थी और उसने मेरी कैट को पकड़ रखा था, मतलब ले रखा था। दैट मीन्स वो कैट के लिए पूछ रही थी कि डज दिस बिलोंग टू यू। आई लैप्ड अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म्स, और मैं मतलब एकदम से उसके जो मतलब उठ के और उसके जो आर्म्स से, वुमेन के आर्म्स से अपनी जो कैट थी उसको ग्रैब कर लिया। आई हेल्ड हर। अब नाउ यू कैन सी इन पिक्चर कि किस तरीके से उसने, बॉय ने उस वुमेन से अपनी कैट को ले लिया और वो काफी खुश है इसको लेकर। आई हेल्ड हर, उस कैट को हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर। और मैंने उसको अपने पास में लेकर और उस ब्यूटिफुल से उसके ऑरेंज फर पे मैं रोया, कि मतलब इतना क्लोज लेकर, कि मतलब उसको कितना मिस किया उसने, वो चीज शो हो रही है। सी पर्ड हैप्पीली, और उसने मतलब कैट ने काफी हैप्पी है, सो उसने साउंड निकाली। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरे को हग कर रहे थे, मेरी कैट को हग कर रहे थे और हमारे चारों तरफ जंप कर रहे थे। सो अपारेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाई द फायर दैट सी रैन ओवर अ माइल अवे। सो हुआ क्या था कि उसकी जो कैट थी ना, वो इतनी डर गई थी उस फायर से कि वो मतलब डर के मारे वो भाग गई थी और माइल्स अवे पहुंच गई थी। मतलब कि डर के मारे ऐसे भागते 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 वो माइल्स माइल अवे पहुंच गई थी। हर कॉलर हैड आर फोन नंबर ऑन इट, बट आर फोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड। सो उसकी कॉलर पे हमने फोन नंबर भी लिखा हुआ था, कि ऐसे कभी होता है ना, पैट एनिमल होता है, वो कभी कहीं और पहुंच जाए, लोग उन्हें फोन करके इन्फॉर्म कर सकें ताकि वो वापस दे सकें या फिर वो वापस ला सकें। लेकिन यहाँ पे उनके फोन जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, डिसकनेक्ट हो गया था, क्योंकि जब घर जला था तो कैसे लगेगा फोन। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। लेकिन ये जो वुमेन है वो कितनी वंडरफुल है, कि इसने कितना हार्डवर्क किया होगा हमारी कैट को हमारे तक पहुंचाने में, मतलब कि ये किसकी बिल्ली है ये पता करने में उसको कितना हार्डवर्क करना पड़ा होगा। ना उनका फोन लग रहा था, वो कैसे पता करती कि इसका ऑनर कौन है। Somehow she knew that cat was loved and sorely missed. लेकिन कैसे ना कैसे उसे ये तो जरूर पता लग गया होगा कि उसकी जो कैट थी, वो जो उसके पास जो कैट पहुंच गई थी, उसको कोई कितना लाइक करता है, कितना लव करता है और कितना मिस कर रहा है। शायद इसने इसीलिए उसे पहुंचा दिया हो। मतलब कि यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि मैं उसको कितना लव करता हूँ, कितना मिस करता हूँ कैट को। Somehow वो लेडी ये पता कर लिया होगा उसने, और उसने मुझ तक इसे पहुंचा दिया। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seems to diminish. जैसे ही मैं वहां पे बैठा अपने फ्रेंड्स के साथ में, मेरी जो कैट थी वो कर्ल अप होकर मेरी गोदी में बैठी हुई थी और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। मतलब सारी जितनी भी जो बेकार सी जो फीलिंग थी ना, लॉस और ट्रेजेडी की, वो ऐसे लग रहा था वो डिमिनिश हो रही है, गायब हो रही है, वैनिश हो रही है। मतलब कुछ भी, अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, मतलब सारी चीजें वापस से रिकवर हो रही हैं, सारी चीजें हील हो रही हैं। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर्ट ऑफ माई लव्ड कैट। और मैं अपनी
लाइफ के लिए काफी थैंकफुल था, काफी ग्रेटिट्यूड शो कर रहा था कि मतलब मेरे जो नए फ्रेंड्स हैं वो अच्छे हैं, वो जो लेडी है जो स्ट्रेंजर थी जिसने मेरे को मेरी कैट वापस पहुंचाई वो भी कितनी अच्छी है, कितनी काइंड है, और मेरी जो बिलाउड जो कैट है उसकी जो लाउड पर सुनकर उसको काफी अच्छा लगता है। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, और मेरी बिल्ली भी वापस आ चुकी है सो मैं भी वापस आ चुका हूँ। दैट मीन्स कि वो हर जो सिचुएशन थी जिसको लेके वो इतना परेशान था, अपनी लाइफ तक खत्म करना चाह रहा था, वो सारी चीजें अब जब वापस आ गई हैं, उसका घर वापस बन गया है, उसको मतलब जो नया स्कूल था उसमें फ्रेंड्स नहीं थे वो फ्रेंड्स बन चुके हैं, अब उसे नया स्कूल भी पसंद आ रहा है, यहाँ पर उसकी कैट को उसने खो दिया था वो भी वापस आ गया है, आ गई है, सो वो भी वापस आ गया है, दैट मीन्स कि उसे सारी चीजें वापस मिल गई है, सो नाउ ही इज हैप्पी। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन, सो थैंक यू।